में विद्यमान है। साधना के द्वारा हम ईश्वर की ओर ही उन्मुख होते हैं। आनंद का स्रोत हमारे भीतर ही स्थित है। सिद्धासन या सहज पालथी मारकर सभी बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में। अंगूठे और प्रथम उंगली को मिला ले। मेरुदंड सीधा हो। सदगुरु सत्ता का स्मरण, ईश्वर की अनंत सत्ता को नमन। कुछ क्षण के लिए आंखों को बंद कर ले। बंद आंखों से प्रत्येक आती एवं जाती श्वास को हम देख रहे हैं। जिस नासारंध्र में श्वासों का प्रवाह तीव्र हो, दाहिना या बाया, चंद्र या सूर्य, इसका निरीक्षण करें। अब हम सब अभ्यास के अगले चरण में बढ़ रहे हैं। ओम की ध्वनि हम सब करेंगे। ध्यान रहे, जब हम ओम का उच्चारण करें, हमारी चेतना इसी ओम पर स्थित रहे। लंबी और गहरी श्वास अंदर। ब्रह्मांड की इस ध्वनि के उच्चारण से मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है। गायत्री महामंत्र का हम सभी एक साथ उच्च स्वर से उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्
भुवः श्वः तत्सवेतरुवारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रक्षक हो प्रभु आप, सब प्रकार के सुखों को देने वाले हो प्रभु आप, सब प्रकार के दुखों से दूर करने वाले हो, तेजस स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, दिव्य शक्तियों के प्रदाता हो प्रभु। वरण कर लिया आपको, स्वीकार कर लिया प्रभु, हमारे बुद्धि और मन को, अंतःकरण को ज्ञान के प्रकाश से भर दो प्रभु, भीतर के अंधेरे को मिटा दो। विहंगम योग की साधना का हम सभी अभ्यास करें, अपनी उद्दिष्ट भूमि पर अपनी चेतना को हम स्थित कर रहे हैं। जो विहंगम योग साधना के अभ्यासी नहीं है, वे श्वसन गति का निरीक्षण करें। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, आत्म अंतःकरण में चढ़ता निरमा मन बांधेषु धारणा शब्दाकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है परम तत्व पृथ्वी जाकी चरण है द्यो है सीरयना, अंतरिक्ष है उदर समा, ज्येष्ठ ब्रह्म पर्ण, जीन आय जीना चलो मनवत्याग संयो, क्रमशः सूक्ष्म हो रहो अग्रगमन गतियो,
स्थूल शब्द छरबारा सूक्ष्म अनाहत जान तासे सूक्ष्म अंतक्षर केंद्रिक शब्द केंद्रिक पांचो शब्द भी क्रमशः सूक्ष्म हो बोलता ही से सूक्ष्म बाहर अक्षर अक्षर से भी सूक्ष्म न्यायाक्षर प्रधान क्षर अक्षर में व्याप्त है पुराण पुरुष चित चेतन सत्ता रहे ज्ञान असीम ज्ञान योनिमय पूर्ण है चिद स्वरूप
हे प्रभु शांति प्रदान करा, दूर सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे सभी, गर्म होने पर आंखों पर रख लें, सिर पर रख लें। बोलिए सद्गुरुदेव, जो आता है अपना विद्या की श्रेणी के अंदर, जो वाचक ज्ञान है, जो बौद्धिक ज्ञान है, जहां पर तर्क है, वितर्क है, जहां पर वितंडावाद है, और एक ज्ञान है जहां पर प्रकृति नहीं है, जहां पर एक संघात नहीं है, जहां पर मन प्राण की गम नहीं है। ऋषि मुनि ने कहा, जहां से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। तो बंधुओं, ज्ञान का आधार दो तरह का है। एक ज्ञान प्राकृतिक है, इंद्रिक है, भौतिक है, और एक ज्ञान प्रकृति बाह्य का है। एक ज्ञान इंद्रियों से परे है, मन से परे है,
वाणी से परे है, उस ज्ञान का आधार कोई वाङ्मय नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। अरे वहां पर पांडित्य नहीं है, वहां पर झूठा ज्ञान नहीं है, वहां तो एकमात्र अनुभव है। आपको अनुभव अभी किसका है? अरे आपका अनुभव है अपने शरीर का, अनुभव है अपने सर्विस का, अनुभव है अपने व्यापार बिजनेस का, अनुभव है मकान का, दुकान का, बैंक बैलेंस का, मोटर गाड़ी का, अनुभव है सगे संबंधियों का, अनुभव है शत्रु का, मित्र का, बंधु बांधव का, अपना अनुभव कहाँ है? अपना अनुभव तो वहीं पर है जहां पर तुम्हारी आत्मा है। आत्मिक आधार से अक्षर के प्रकाश में, सलगुर के प्रकाश में जो अनुभव होता है वही आपका अपना अनुभव है। सदगुरु की वाणी क्या कहती है? अनुभव युक्ति भेद विहंगम मर्म बताने वाले धन्य धन्य सदगुरु देव कृपाल प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। जाकर अंत वेद नहीं पावे ताही सरल मत वाले धन्य धन्य सदगुरु देव कृपालु प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। तो जहां पर अनुभव है अपना अनुभव वहीं पर अध्यात्म है, वहीं पर विहंगम योग है, वहीं पर सहज योग है, वहीं पर देवयान पथ है, वहीं पर सुरत शब्द योग है, वहीं पर परा विद्या है, वहीं पर ब्रह्म विद्या है। दूसरा जो पहलू है बंधुओं, वहां पर प्रकृति है ही नहीं, वहां तो विशुद्ध अपना अनुभव है। सद्गुरुदेव ने कहा इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन,
ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तज सो ज्ञान से साधन चले, कहें सदा फल योग दुर्लभ वर विहंगम सत फले। सदगुरु सदा फल देव रचित स्पर्धे विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्म रंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सदगुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूत, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को बीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त बीज अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाभल देव आश्रम, शतनाग रोड, झूसी प्रयाग इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। बोलिए सद्गुरु देव की जय। ओम नहीं देवो न मर्त्यो महस्तव क्रतुम परः मरुद विरग्न आगहि। ओम अपाम पृष्ठमसि योनिरग्नेह समुद्रम अवितः पिन्वमानम् वर्धमानो महाच पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा पृथश्व। ॐ ऋचो अक्षरे परमे व्योमनस्मिन् देवादिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति इत दिवस्त इमे समासते। नीति नीति वेदन कहा भेद न पावे जाहि सद्गुरु गम्य लखावही अनुभव युक्ति लखाही। सब देवों का देव है परम पुरुष का रूप बिन गुरु
प्रभु जीव ना मिले भटके रहे भव को एक शब्द गुरुदेव का ताको अनंत विचार थाके नर मुनि देवता वेदन पावे पार यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान पल पल स्मरणीय अहर्निश वंदनीय अनंत दयामय अनंत कृपालु परम आराध्य सत्ता सद्गुरु सत्ता के चरणों में कोटि सह नमन। सद्गुरु उत्तराधिकारी सुपूजनीय संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में अनेकों नमन। सुपूजनीय स्नेहमयी ममतामयी जगत माता के चरण कमलों का स्पर्श वंदन अभिनंदन और उनके चरणों में कोटि सह नमन। संत नामदेव जी महाराज के चरण कमलों का वंदन अभिनंदन उनके चरण कमलों में अनेकों नमन। हम सब उपस्थित हैं ब्रह्म विद्या के नित्य होने वाले ऑनलाइन सत्संग सत्र में। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहन जो गो टू मीट ऐप पर और यूट्यूब से जुड़कर इस सत्संग सत्र में उपस्थित हैं सबों का हार्दिक नमन, सबों का अभिनंदन, सबों का वंदन, सबों का आभार। प्रथम चरण की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं और वह चरण समर्पित है स्वागत गान और मंगल गान को। तो अब बिना विलंब के हम सब बढ़ चलते हैं उस ओर। और इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपनी परम प्रिय गुरु बहन नीलाक्षी निर्लेकर जी को जो नासिक महाराष्ट्र से हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे उपस्थित हों और उस नित्य अनादि सदगुरु सत्ता का आवाहन स्वागत गान से और विश्व शांति हेतु मंगल गान प्रस्तुत करें माननीय श्रीमती नीलाक्षी जी, जिनके स्वागत गान और मंगल गान की सेवा का लाभ हम सब यदा कदा नियमित रूप से प्राप्त करते रहे हैं। अत्यंत भावपूर्ण स्वर हैं उनके माननीय नीलाक्षी जी। व्यक्ताव्यक्त रूप में विद्यमान सद्गुरु सत्ता के चरणों में कोटिशः नमन। ऑनलाइन उपस्थित सर्व गुरु भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। स्वागत गान। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए दोष दुर्गुण दूर करिके शुद्ध हंस बनाइए भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन अन्हवाइए जन सदा फल
विश्व शिक्षक शान बचाइए। मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए। भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान परदरसाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए। बोलिए पंडित छो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत आभार माननीय नीलाक्षी जी का, जिनके भावपूर्ण स्वरों में हम सबों ने मंगल गान और स्वागत गान का आनंद प्राप्त किया। आपका विशेष आभार और आपकी मंगल कामना हेतु सद्गुरु प्रभु के चरणों में हम सबों की प्रार्थना निवेदित है। चलते हैं अब दूसरे चरण की ओर, और यह चरण जो समर्पित है इसको समर्पित है, यह चरण तो समर्पित है भजन एवं सुमिरन को। और भजन तो कल्याणकारी ही है ना। पुंज पाप बहु जन्म का संचित कलुष बिटोर, दग्ध नाम पल भजन से महिमा नाम अंजोर। बहुत जन्मों का संचित पुंज पाप जो इकट्ठा है, वह क्षण मात्र में नाम के भजन से नष्ट हो जाता है। यही तो नाम भजन की महिमा है। और नाम तो किसको कहते हैं? ब्रह्म को, सद्गुरु को। नाम भजन से अमित फल जो इच्छा मन होए, चारों फल पीछे फिरे उदासीन जन सोए। नाम भजन करने से जो भी इच्छा जीवात्मा की होती है उसे प्रभु स्वयं पूर्ण कर देते हैं, और चारों फल उसके पीछे घूमते रहते हैं। परंतु वह वीतरागी आत्मा जो भजन के प्रभाव से युक्त है उसके प्रति उदासीन रहते हैं। यही तो भजन का प्रताप है, यही तो भजन की महिमा है ना। और स्वामी जी ने तो शब्द प्रकाश में भी लिखा है कि भजन की जो प्रणाली है, भजन का जो सिस्टम है, वह तो बड़ी ही न्यारी है, बड़ा ही निराला है। प्यारे भजन भेद गति न्यारा, प्रकृति आधार बुद्धि मन वाणी, हद बेहद से पारा अनुभव साधन होत निरंतर निस्दिन एक प्रकारा। पिपिल कपिल मैं भ्रम ही त्यागो डोरी विहंगम न्यारा, कहें सदाफल सदगुरु खोजो त
तब हुई हो भव पारा प्यारे भजन भेद गति न्यारा। तो भजन की गति जो है वह तो विहंगम योग से ही प्राप्त होती है, वह तो सदगुरु के आधार से ही प्राप्त होती है, और भजन तो कल्याण का प्रथम सोपान है। भजन श्रद्धा के वे सुमन है जो हम सब सदगुरु प्रभु के चरणों में निवेदित करते हैं, और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं अपनी परम प्रिय गुरु बहना जिनकी भजन सेवा का नियमित लाभ हम सब प्राप्त करते रहते हैं। अत्यंत मधुर स्वरों में वह यह सेवा प्रदान करती हैं और उनके भजन बड़े ही आध्यात्मिक संदेश मूलक होते हैं। तो अब मैं बिना विलंब किए हुए आमंत्रित कर रहा हूं अपनी परम प्रिय गुरु बहना श्रीमती दिव्या राय जी को, जो नासिक से हम सबों से जुड़ी हैं, कि वे उपस्थित हों और हम सब के लिए, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे हम सबों के लिए एक भावपूर्ण भजन प्रस्तुत करें। और हम सब, स्वामी जी ने कहा है कि हम सब अपनी सुरति को समेट के भजनों का श्रवण करेंगे। सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर के पट खोल। तो हम सब बाहर के पट को बंद कर भीतर से इन भजनों का श्रवण करेंगे। माननीय श्रीमती दिव्या राय जी, जय सदगुरुदेव। सदगुरु की असीम कृपा से चल रही सत्संग की अमृत धारा अनवरत रूप से सभी शिष्यों पर बरस रही है, जिसमें आज के सत्संग में मैं इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं अव्यक्त एवं व्यक्त सदगुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमन करती हूँ, साथ ही आचार्य परिवार को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, और ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी गुरु भाई बहनों को जय सदगुरुदेव। आज के भजन कबीर साहब का निर्गुण भजन प्रस्तुत करूंगी। आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको सेव, अमृत अंतर यामी हो नमो नमो मम देव। जन अधीन बंदन करे यही विधि कीजे सेव, बार बार की गम नहीं नमो नमो गुरुदेव। कबीर साहब का भजन। बाबा हो एक बगिया लगवाला, एक महुआ एक आम, बाबा हो एक बगिया लगवाला, एक महुआ एक आम, वही चढ़ी बोले ले काली रे कोयलिया, बोलिया बोला ले सत्य नाम, वही चढ़ी बोले ले काली रे कोयलिया, बोलिया बोला ले सत्य नाम, घर पीछू और बाबा से सुरती धोबिनिया,
घर पीछू अड़वा बस सुरती धोबिनिया चुंदरी देहू ना धोवाई चुंदरी देहू ना धोवाई जाना है ससुराल जाना है ससुराल कौन ही बस बाके बना ले बहंगिया कौन रंग के लग ले वहाँ कौन ही बस बाके बना ले बहंगिया कौन रंग के लग ले वहाँ काचही बसबा के बना ले बहंगिया सबुजे रंग के लग ले वहाँ काचही बसबा के बना ले बहंगिया सबुजे रंग के लग ले वहाँ कौन जना मिल बनाई है कहरिया जाना है ससुराल कौन जना मिल बनाई है कहरिया जाना है ससुराल काचही बसबा के बना ले बहंगिया सबुजे रंग के लग ले वहाँ काचही बसबा के बना ले बहंगिया सबुजे रंग के लग ले वहाँ चार जना मिले उठाई है कहरिया जाना है ससुराल चार जना मिले उठाई है कहरिया जाना है ससुराल कौन भैया आगे जैतन कौन भैया पीछे जैतन ढुलिया लागल कौने जाय कौन भैया आगे जैतन कौन भैया पीछे जैतन कौन भैया ढुलिया लागल जाय निर्गुण भैया आगे जैतन सगुण भैया पीछे जैतन डोलिया लागल सदगुरु जय निर्गुण भैया आगे जैतन सगुण भैया पीछे जैतन डोलिया लागल सदगुरु जय गावै कबीरा साहेब यह निरगुण मा संत जन लेहु न विचार गावै कबीरा साहेब यह निरगुण मा संत जन लेहु न विचार अब की के गईले बाउरी नहीं आईले फिर न मनुष्य अवतार अब की के गईले बाउरी नहीं आईले फिर न मनुष्य अवतार बाबा हो एक बगिया लगवाला एक महुआ एक आम बाबा हो एक बगिया लगवाला
एक महुआ एक बंदी छोड़ सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत आभार माननीय दिव्या राय जी का। मैंने आरंभ में ही कहा था कि इनके भजन बड़े ही आध्यात्मिक, भेदिक और संदेश मूलक होते हैं। कौन भैया आगे जैतन, कौन भैया पीछे जैतन, कौन डोलिया लागे जैतन। निर्गुण भैया आगे जैतन, सगुण भैया पीछे जैतन, डोरिया लागन सदगुरु नेह। गावे कबीर साहेब यह निर्गुणवा, संत जान लेहु न विचार, अवकी के गैले बहुरी नहीं आई हैं, फिर न मानुष होता। बड़े ही संदेश मूलक भजन प्रस्तुत किया दिव्या बहन ने हम सबों के लिए। साहब के भेदिक भजन से हम सब कृत कृत हुए। देखिए, यह जो अध्यात्म का पथ है, हम सब उसके राही हैं, उसके पथिक हैं, और पहुंचना तो हम सबों को है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे पहुंचेगा, लेकिन सद्गुरु ने हम सबों का मार्ग तो सुनिश्चित ही कर दिया है। सद्गुरु ने हम सबों की जो हम सबों की जो मंजिल है वह तय कर दी है, और हम सब उस मंजिल पे बढ़ ही रहे हैं। और जब मंजिल तय है तो आगे या पीछे हम सब तो वहां पहुंचने ही वाले हैं। और यह जो ब्रह्म विद्या का मार्ग है वह तो सद्गुरु का मार्ग है, और सद्गुरु ने हमारे ध्येय को तय कर दिया है, हमारी मंजिल को तय कर दिया है। अमत संत सन मार्ग में, देखिए स्वरवेद की वाणी कितनी विमल है। अमत संत सन मार्ग में चेतन साधन होय, ज्ञान से ध्यान समाधि है, जड़ सा धन नहीं कोय। प्राकृतिक मार्ग से रहित है विहंगम योग का मार्ग, जिसके द्वारा कौन सा साधन होता है, जिसके द्वारा चेतन साधन होता है। जड़ कर्मों से, जड़ साधन से, जड़ कर्मों से तो कर्म होता है, और आत्मा द्वारा ज्ञान मार्ग से ही विहंगम योग में ध्यान और समाधि होती है। इसमें प्राकृतिक साधन कोई नहीं होता। विहंगम योग का मार्ग जो है वह तो ज्ञान युक्त मार्ग है। कर्म प्रकृति का संबंध इसमें नहीं होता है। प्रकृति आधार से असंग होकर चिन्मय स्वरूप से शुद्ध चिदाकाश में आत्मिक शक्ति हमारी गमन करती है, और हम अपने उद्देश्य फल को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस अनुभव विज्ञान में पथ को ही तो विहंगम मार्ग कहते हैं ना। तो हम सब तो बड़भागी है ही हैं, और हम सबों को तो पहुंचना ही है, क्योंकि पहुंचने की विधि प्रणाली हम सबों को ज्ञात ही है, और सदगुरु प्रभु तो हमारे साथ ही खड़े हैं ना। तो हम सब का पहुंचना तो तय है, हम सब की मंजिल भी तय कर दी है सदगुरु ने। और इतना ही नहीं किया है सदगुरु ने, हम सबों का मार्ग तो सुलभ भी कर दिया है ना। हम सबों के लिए सदगुरु ने तो उद्घोषणा भी कर दी है ना। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हमारे तो सदगुरु ने ही हमारे लिए प्रण ले लिया है, फिर चिंता किस बात की है। सदगुरु की सेवा में हम सब प्रयुक्त हों, और बाकी सब कुछ तो सदगुरु ने सुलभ कर ही दिया है। तो अब चल पड़ते हैं हम मूल की ओर, सत्संग की ओर।
और इस सत्संग के क्रम में आज जो हमारे अतिथि वक्ता हैं बिंदेश्वरी दुबे जी, बड़े ही वरिष्ठ गुरु भाई हैं हमारे और बड़े ही सुधी साधक हैं और विज्ञ हैं, विद्वान हैं, अनेकों सेवा में वे युक्त हैं, प्रयुक्त हैं। 1982 से अनवरत विहंगम योग से जुड़कर ये सेवा भाव से ओतप्रोत होकर विभिन्न प्रांतों में इन्होंने ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार प्रसार कार्यों में अपनी सेवा प्रदान की है। वे इस दंडक वन आश्रम में भी, गुजरात आश्रम में भी रह के उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार में। तो मैंने कहा कि वे विज्ञ भी हैं, विद्वान भी हैं, सुधी साधक हैं, श्रेष्ठ साधक हैं, सेवा साधना और सत्संग से ओतप्रोत हैं और बड़े वरिष्ठ भी हैं। अनुभव का प्रकाश भी उनके ज्ञान युक्त वाणियों से परिलक्षित होता ही रहता है। तो अब बिना विलंब किए हुए मैं आग्रह करता हूँ माननीय श्री विंदेश्वरी दुबे जी से, जो हम सबों के बीच में उपस्थित हैं बोकारो झारखंड से, उस पुण्य भूमि से जहाँ की भूमि से अनेकों रत्न, विहंगम योग के अनेकों रत्न उत्पन्न हुए हैं और आज भी हैं वहां पे। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे उपस्थित हों और अपनी ज्ञान जन्य वाणियों से, अपनी अनुभव जन्य वाणियों से हम सबों को लाभान्वित करें। माननीय श्री बिंदेश्वरी दुबे जी। सर आप अपना माइक ऑन करें, आप उपस्थित हैं, आप जुड़े हुए हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करें यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं सर? जी आवाज आ गई सर आपकी। जी जी ठीक है, ठीक है, ठीक। जी 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 शुरू करें, आरंभ करें सर। बंदौ अहमय परम गुरु जिन यह ज्ञान पसार, देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार, नहीं जीवन नहीं ज्ञान बल केवल आश्रय सेव, देव सदा फल बंदौ नमो नमो नम देव, शरण गिरे की लाज को राखू कृपा निधान, बंद मोहादिक तोड़िए देहू भक्ति मम प्राण। व्यक्ता व्यक्त रूप से सदैव और सर्वत्र विद्यमान मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव जी भगवान, आज के इस जगत जननी श्रेयमयी दयामयी माता से सदरूप पद उत्तराधिकारी परम पूज्य संत प्रवर पूज्य संत नामदेव जी महाराज, अन्य आज के इस पावन दिव्य आध्यात्मिक सत्संग में उपस्थित दिव्य श्रेष्ठ आदरणीय संतजन, श्रद्धामयी माँ बहने एवं स्नेहिल बच्चे, हम सब दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त कर दुर्लभ सत्संग में उपस्थित हैं। मानस में गोस्वामी जी ने दुर्लभ बड़े भाग शब्द का प्रयोग दो जगह किया है, बड़े भाग मानुष तन पावा
और बड़े भाग पाई सतसंगा। आज हम सभी को दोनों उपलब्ध है, दोनों मौजूद है, यह सदगुरु प्रभु की विशेष दया है। हैं परमात्मा की दया से मानव शरीर मिलता है और सदगुरु की दया से परमात्मा की प्राप्ति होती है। हैं कबहू करी करुणा नरदेही देत इस बिन हेत सनेही। लेकिन दे तो दिया लेकिन भवसागर से पार कौन करेगा, उस परम आनंद को प्राप्त कौन कराएगा, परम धाम चेतन महामंडल अमृत सागर का मीन कौन बनाएगा, कौन हवन हमारे विशुद्ध हंस स्वरूप में हमें प्रतिष्ठित करेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जन्म तो मानव देह तो बहुतों को मिला, विश्व की आज 7 अरब आबादी है, लेकिन उसका क्या मतलब है, उसकी क्या उपादेयता है, इस बात को यह जो शास्त्रों में मनुष्य शरीर की दुर्लभता का गायन है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात की बौद्धिक धरातल पर भी कतई चिंतन नहीं है। तो हम सब जो हमारे ऋषि महर्षियों ने दिया जो बताया और जिसलिए इस मानव शरीर की महत्ता को प्रतिपादित किया वह आज सिद्ध और सार्थक करने के लिए हम सभी सदगुरु के शरण में हैं। मनुष्य शरीर की चर्चा दुर्लभ अन्य जगहों में चर्चा है, लेकिन दुर्लभ चर्चा जो है, चर्चा का जो कारण है वह क्यों है। स्वामी जी परम आराध्य सदगुरु प्रभु कहते हैं कि दुर्लभ यह नर देह है एकादश है द्वार, सुषुमन दसवां द्वार है हठ योगी पैठार। यह मानव शरीर इसलिए दुर्लभ है कि अवक्र चेता अजन्मा का द्वार इससे अलग है, हैं? क्योंकि कठोपनिषद में जमाचार्य ने इसका संकेत देते हुए उपदेश किया कि पूर्व में कादश द्वार मजस्य वक्र चेतसः अनुष्ठाये न सोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। अजन्मा वक्र चेता आत्मा का शरीर मुक्ति का मार्ग 11 द्वार वाला है, विहंगम योग क्यों महान है। स्वामी जी की ज्ञान की सबसे महती विशेषता क्या है कि आज शरीर के द्वार का ज्ञान भी बड़े बड़े विद्वानों को नहीं है। कौन है कर्म का द्वार, कौन है भक्ति का द्वार, कौन है जड़ द्वार, कहाँ है से है चेतन द्वार, कौन द्वार प्रकृति का है, कौन द्वार प्रकृति पार का है, कौन द्वार बंधन का है, कौन द्वार मुक्ति का है। इतना अस्पष्ट सिद्धांत आज विश्व के धरातल पर केवल और केवल सदगुरु के चरण में है। आज न मेरे बंधु यह विज्ञान का की मान्यता है, जब हमारा सिद्धांत सही होगा तभी हमारा प्रयोग भी सही होगा, तभी हमारी प्रयोग की उपलब्धि हमें वास्तविक रूप से प्राप्त होगी। नहीं तो सिद्धांत गलत तो प्रयोग तो कतई सफल और उसकी उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमारे यद्यपि सभी लोग वेद का उपनिषद का उदाहरण देते हैं, रामायण भी कहता है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, लेकिन निगम कहते हैं वेद को, आगम कहते हैं शास्त्र को। वेद और शास्त्र में क्या कहा है हमारे ऋषियों ने, इस शरीर के रहस्य आध्यात्मिक दर्शन रहस्य को किस प्रकार रूपायित व्याख्यायित किया है, किस ओर इसका आध्यात्मिक संकेत है, यह कतई नहीं परिलक्षित होता। क्योंकि वेद कहता है, अथर्ववेद की ऋचा है, अष्ट चक्रा नौ द्वारा देवानाम पुरे अयोध्या तस्याह हिरण्यः कोशः स्वर्गा ज्योतिषावृत, 8 चक्र 9 द्वार वाली देवों की यह अजीतपुरी अयोध्या है। इसमें हिरण्यमय स्वर्णमय हिरण्यमय कोश है जो सत्य स्वरूप जो परमात्मा है
वह हिरण्यमय पात्र से आवृत है, ढका हुआ है, हैं? इसीलिए तो स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखा कि सूक्ष्म शब्द आच्छादित स्थूल शब्द से होए, क्षर अक्षर आवरण है, निह अक्षर का दोए। कितना विशुद्ध बात है मेरे बंधु। सबसे सूक्ष्म तत्व है सृष्टि में व्यापक परमात्मा, उससे सूक्ष्म है अक्षर ब्रह्म है, उससे सूक्ष्म है आत्मा और उससे सूक्ष्म है प्रकृति। जो ये दो तत्व आत्मा के अंतरात्मा के रूप में सदैव प्रत्येक स्थिति और काल में युक्त रहता है। आत्मा का अंतरात्मा परमात्मा है, हम जानते हैं। आत्म परमात्म गुथा मनिषुत ईव समान, यह तो नित्य संबंध है, छूट न कबहू जान। अरे परमात्मा आत्मा का नित्य संबंध है। अनंत जन्म बीत गए, इस संबंध का ज्ञान कहाँ है सिद्धांत रूप में भी आज। यही तो विहंगम योग की विशेषता है, इसीलिए तो विहंगम योग महान है। यही तो सदगुरु ज्ञान की महत्ता है, यही तो सदगुरु पद और सदगुरु के अधिकार को परिलक्षित करता है। और उसके आत्मा के अंदर ही अक्षर ब्रह्म की धार भी विद्यमान है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है कि परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदगुरु महाप्रीत। इसके तत्वतः ज्ञान के लिए सदगुरु के विहंगम योग के सत्संग का की आवश्यकता है। सदगुरु के चरण में जब हम पूर्ण समर्पित भाव से जब हम लगते हैं और उनकी दया होती है तो भी सिद्धांत रूप में यह बात समझ में आती है, और समझ में भी तभी यह परिलक्षित होता है। तो बस 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 करो, ज्यादा हो जाता हो, ज्यादा भरत बड़ा हम देखा थी, ज्यादा जैसे हमारा दिल बड़ा उसी ला हम देखा थी। नहीं, नहीं भर लेवा, सब में दो दो किलो बेसी है, गलत बात। हाँ ठीक बात, तो क्षमा करेंगे। तो इसलिए यह आवश्यकता है इस बात की कि हम सदगुरु सत्ता को समझें और उनके आदेश उपदेश में जीवन जिएं। क्योंकि उपनिषद क्या कहता है, हैं? ईशावास्य उपनिषद में हमारे ऋषियों ने संकेत दिया कि हिरण्यमय पात्रेण सतस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माये दृष्टये। पर ऋषि परम गुरु सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो अस्पष्ट यहाँ संकेत है कि सत्य धर्म क्या है, आत्मज्ञान ही सत्य धर्म है, और आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है हिरण्यमय पात्र का, उसको दया करके आप हटा दीजिए। सत्य धर्म के दर्शन के लिए हमें वह जो आवरण है, जो स्वरवेद में स्वामी जी ने दिखा कि क्षर अक्षर आवरण है निह अक्षर का दोए, तो जब हम सत्य सिद्धांत को समझते हैं तो साधना में हमारी उसी तरह उपलब्धि होती है सदगुरु की दया से, अपना प्रबल पुरुषार्थ और सदगुरु की दया। शरीर के बारे में केवल चर्चा किया जाए तो शरीर की विलक्षणता विशेषता क्या है, कैसे इसमें परमात्मा वास किए हुए है, कैसे संपूर्ण, बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि परमात्मा व्यापक है, कैसे व्यापक है, यही तो व्यापकता का विज्ञान है विहंगम, जो यही तो स्वरवेद का विज्ञान है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि कहते हैं जो प्रकृति में, प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किमिया इंद्रिय अंतःकरण जो प्राण वहां नहीं जाए। रामायण भी कहता है प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी, तो क्या परमात्मा प्रकृति में नहीं है, प्रकृति में भी है, हैं? लेकिन जो आवरण इतने हैं परमात्मा के ऊपर, कितना आवरण हो गया, अनित्य अविनाशी अस्थूल माया का, सूक्ष्म प्रकृति के त्रिगुण माया का, इसके बाद प्रकृति के बाद भी त्रिगुण छूटने के बाद भी अक्षर का आवरण नहीं हटता। जब मन और प्राण विहंगम योग की साधना में सदगुरु की दया और अपने प्रबल पुरुषार्थ से मन और प्राण अपने कारण में लय हो जाता है, तब भी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान, क्योंकि अब चेतना का बाह्य प्रवाह बंद हो गया, वह कारण अपने बाह्य प्रवाह का कारण मन जो था, प्राण जो था, जो आत्मा का दो पैर है, वह तो अपने कारण में पहुंचकर शांत हो गया, लेकिन अभी भी आत्मा के ऊपर प्रकृति का आवरण पड़ा रहता है। यही तो सदगुरु की विशेष, यही तो सदगुरु के व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप की आवश्यकता है। सदगुरु वहां है, आगे को पद दीजिए, शब्द होत झनकार, अलख पुरुष लख लीजिए, अक्षर सकल प्रसार। और वहां से सदगुरु की जब दया होती है तो आत्मा की यह कैवल्य अवस्था है, न अर्ध न ऊर्ध, अपने स्वरूप में आत्मा स्थित हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान है, लेकिन निर्भ्रांत ज्ञान अभी भी नहीं है, कि क्योंकि प्रकृति का आवरण है। इसलिए जब यह सदगुरु की दया से यह आवरण टलता है, जब सब अक्षर का प्रकाश, शब्द का धार, जब सदगुरु दया करके धरा देते हैं, लखा देते हैं, दे देते हैं, तब वह अक्षर का प्रकाश प्रकट होता है, तब वह प्रकाश अंतर घट में साधन विशेष से सदगुरु की दया से प्रवेश करता है, तब बाहर भीतर प्रकाशित होता है, और तब वहां से अक्षर के प्रकाश में दर्शे सूक्ष्म द्वार है, उसी अक्षर के प्रकाश में वह परमात्मा का द्वार, एकादश द्वार, जिसकी चर्चा मैंने की अभी पूर्व में की, वह परिलक्षित होता है, और वहां पर अपना समर्पण की भूमि वही है, सुमिरन की भूमि वही है, वही से जीव जो है अपने स्वरूप में स्थित होकर अक्षर ब्रह्म के प्रकाश में परमात्मा का सुमिरन करता है। और इतना महान सिद्धांत और महान ज्ञान हमारे जीवन में कैसे उतरे, कैसे इसे हम अनुभव में प्राप्त करें। विहंगम योग का ज्ञान तो आज लाखों लोग लिए, जरूरत है। स्वामी जी कहते हैं कि आप उत्तम कोटि के जिज्ञासु बने, आज जिज्ञासा का अभाव नहीं हो। आज सत्संग में जो विहंगम योग के दुर्लभ और दुरूह प्रश्न है, जो सिद्धांत रूप में, इसीलिए सत्संग की क्यों महत्ता, सत्संग भक्ति के प्रथम सेवा का भी ज्ञान हमें तभी होता है जब हम सत्संग में सदगुरु के चरण में बैठते हैं। बैठने के बाद भी सेवा को, सेवा साधन प्रथम है, भक्ति के क्षेत्र में प्रथम साधन सेवा, सेवा पर बहुत बड़ी बात है। अभी वार्षिक उत्सव है, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। तो ये अभी जो सबसे हमारे ब्रह्म विद्या विहंगम योग के इतिहास में सबसे विलक्षण अद्भुत अद्वितीय जो दिन है, वह वार्षिक उत्सव का है, वह अगहनी उत्सव का है। यही तो संकल्प दिवस है। विहंगम सृष्टि का आरंभ संकल्प से हुआ, परमात्मा के इच्छन शक्ति, संकल्प शक्ति से अक्षर ब्रह्म एक पाद से एक पाद में प्रकट होता है, हैं? एक पाद निःशब्द से अक्षर है उत्पान, अक्षर से सब सृष्टि है, कारण वाही समान। यही से तो संकल्प है, संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बिगड़ती है, संकल्प से संकल्प का अर्थ विहंगम योग में का साधक ही समझ सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर अनुकूल, केवल संकल्प नहीं, संयम, संकल्प के अनुकूल अनुसार पुरुषार्थ और संयम, ध्येय धैर्य से मिलत है साधन सब सुख मूल, सब उसकी उपलब्धि होती है। तो पुरुषार्थ का अभाव नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ की तीन भागों में स्वामी जी ने स्वरवेद में बांटा। पहला पुरुषार्थ यही है जहां हम अभी बैठे हुए हैं, जो हम कर रहे हैं, सेवा सदगुरु हरि भजन अरु सत्संग विचार है, सेवा सदगुरु संत की, अरु सत्संग विचार है। पुरुषार्थ यह जीव का जीवन जन्म सुधार, प्रथम पुरुषार्थ है। दूसरा पुरुषार्थ क्या है? आगे कहते हैं सूक्ष्म पुरुषार्थ के बारे में, साधनात्मक अनुभव परक पुरुषार्थ के बारे में स्वामी जी, कि जीतो मन अरु पवन को पर पुरुषार्थ है, धन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। यह परम पुरुषार्थ है,
इसका रहस्य भेद कौन जान सकता है बिना सदगुरु की दया के, कि मन और प्राण को जीतने की प्रक्रिया क्या है, उसकी साधना क्या है, मन और प्राण है क्या, क्यों मिला, कहां से मिला, इसकी क्या आवश्यकता थी। एक एक शब्द में विहंगम योग की विलक्षणता, विहंगम योग क्यों अद्भुत है। अद्भुत शब्द पर हम लोग चर्चा अगर करें तो बहुत घंटों चर्चा हो सकती है। एक एक शब्द से परिलक्षित होता है कि विहंगम योग क्यों अद्भुत है। तो अंतिम जो पुरुषार्थ पूर्णता का बात कहाँ है, स्वामी जी आगे कहते हैं कि सदगुरु मंडल अग्र है सैन समाधि प्रदेश, पर पुरुषार्थ पूर्ण है पहुंचे अपने देश। वहां पुरुषार्थ की पूर्णता है, वहां पुरुषार्थ की अंतिम भूमि है, वहां पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। जब परम पुरुष की प्राप्ति हो जाती है, जब आत्मा अपने चेतन लोक अमर लोक तीन पाद अमृत का हंस बन जाता है, तो इस सबकी पूर्णता कहाँ होगी, कैसे होगी। इसीलिए तो ब्रह्म विद्या आज वेद रामायण में भागवत में गीता आज हमारे देश में सबसे पवित्र सदग्रंथ है, विश्व में रिसर्च हो रहा है, भारत के लोग उतना उसके प्रति जागरूक नहीं है। लेकिन भगवत गीता क्या कहती है, भगवत गीता युद्ध के मैदान में उपदेश हुआ। आज हम सामान्य जीवन में किसी को फुर्सत नहीं है, कहता है कि अरे आप बात बहुत अच्छा करें लेकिन सर लेकिन समय नहीं है। अरे जहां युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश हुआ है जी, इसका क्या दर्शन है, वहां फुर्सत था क्या किसी को, युद्ध की सेना सामने खड़ी थी, मरने मारने पर उतारू थे, वहां भगवत गीता का ज्ञान दिया गया है। जो विश्व में रिसर्च, रशिया ऐसा देश जो धर्म को नहीं मानता, वहां भी रशिया गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया गीता के फॉलोअर ने, और गीता की माने एक यूनिवर्सिटी को दिया गया स्टडी के लिए। कहता था रशिया कि भगवत गीता समाज को तोड़ने वाला सदग्रंथ है। अंत में 25-30 हजार गीता के फॉलोअर सड़क पर उतर गए, तब अंत में एक यूनिवर्सिटी को स्टडी के लिए दिया गया, और वहां के विद्वान प्रोफेसर ने कहा जी नहीं, समाज को यह तोड़ने वाला नहीं, समाज को जोड़ने वाला सदग्रंथ है। और मान्यता मिली उस देश में जो धर्म को अफीम कहता है, जो धर्म को नहीं मानता। हम कहाँ हैं, धर्म को क्या समझे, केवल अगरबत्ती फूल माला में हम भुलाए हुए हैं, यही धर्म है। तो इसलिए मैं क्या कहूँ, समय अधिक हो रहा है। तो वार्षिक उत्सव जो है, सदगुरु प्रभु महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी भगवान, जब प्रकृति से परमात्मा तक संपूर्ण ज्ञान को समाधि अवस्था में प्राप्त किया, तब क्या हुआ, परमात्मा की दया से। अरे परमात्मा क्या है, परमात्मा तो हर के जी घट में बसा हुआ, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, परमात्मा दूर नहीं है, वो न्यायाधीश है, देख रहा है हर श्वास में हम क्या कर रहे हैं। और कर्म फल, परमात्मा तो कर्म फल देने वाला है, हम बेखबर हैं, न्यायाधीश हमारे पास है और हम न्याय अन्याय अपने हाथ में लेके बैठे हुए हैं। इसलिए तो वार्षिक उत्सव जो है संकल्प का दिन है, विशेष दिन है। और यहाँ जाने के बाद जो व्यक्ति कहता है कि मुझे इतना दिन हो गया अनुभव नहीं हुआ, मैं तो कहता हूँ, मैं हम लोग तो आज 82 से वार्षिक उत्सव देख रहे हैं, जब 1500 लोग आते थे, और क्या आनंद और क्या था। लोग कहते थे प्रारंभ में कि यहाँ आने से बैटरी चार्ज हो जाता है, हम लोग उस समय रहे थे नहीं समझ पाते थे कि बैटरी चार्ज कैसे होता है। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो वार्षिक उत्सव में आश्रम पर जाता है सदगुरु के दरबार में, निश्चित रूप से अनेक जन्मों के कुसंस्कार धुलने लगते हैं, सारी वृत्ति समाप्त हो जाती है, वृत्तियां कूट दी जाती है और चेतना ऊर्ध होने लगती है। प्रथम भूमि की साधना में यह उपलब्धि है, मैंने जीवन में अनुभव किया है, और मेरे जीवन में जो भी सदगुरु ने दिया वह वृत्ति कूट आश्रम की ही देन है, और उसकी सेवा का दिन है। हम लोग 10 दिन 15 दिन पहले जाते थे और छोटे छोटे टेंट लगते थे, और भोजन की व्यवस्था हमारा शुरू से, हमको उपदेश व्यवस्था मिलता था, प्रारंभ से मैं उपदेश व्यवस्था में ही रहा हूँ। जो भी हो, कहने का मतलब है वार्षिक उत्सव जो है, अघानी उत्सव जो 19-20 दिसंबर को मनाया जा रहा है, इस वर्ष तो भी ऑनलाइन है, जो जहाँ है अपने स्तर से मनाने का आदेश हुआ है, लेकिन इसकी गरिमा महिमा और बढ़ गई है। आप कोरोना काल में सारी दुनिया त्रस्त है, देश विदेश सरेंडर कर गया, त्राहिमाम मचा हुआ है सारी दुनिया में, लेकिन आपका हमारा सेवा सत्संग साधन क्या एक दिन छूटा। जो लग्नी है, जो विरही है, जो दीन अधीन अमानी जीव है, जो कुछ इस मनुष्य जीवन में लेके जाना चाहते हैं, जो पूजी कमार है, आज सारी संसार कौन पूजी कमार आज नहीं जाएगा।
मकान दुकान धन दौलत संपत्ति प्रत्येक साधारण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी जानता है कि नहीं जाएगा। अरे तो जाएगा, जब ये आप जानते हैं कि नहीं साथ जाएगा तो जाने वाला कुछ तो कमाओ भाई मेरे। कहते हैं कि परमात्मा और गुरु के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और यहाँ गाता है लोग कि मुट्ठी बांध कर आए हो प्यारे हाथ पसारे जाओगे। क्या हम मुट्ठी बांध कर आए थे? बिट्टू चल ब्रश कर ले, पसारे जाएंगे नहीं बाबू, हम कमा के जाएंगे। बन जाएंगे, बड़ी बात थोड़ी बन जाएंगे। तूने इतना अच्छा बना दिया तो बाकी भी बना देगा। हिरेंद्र जी ये रहे, ये रहे, आपका माइक ऑन हो गया। हिरेंद्र जी आप अपना माइक बंद कर ले प्लीज, कृपया शांति बनाए रखें। तो पूंजी कमाने की कला है विहंगम योग, क्योंकि हम आत्मा है। सब हर व्यक्ति जानता है कि पांच तत्व तो मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। एक बच्चा भी जानता है जी, लेकिन इस ज्ञान के रहस्य को जानने का प्रयास जीते जी समय रहते कौन किया? आज ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास चार आश्रम के विधान ऋषियों ने किया था। आज मरते मरते दिन तक हम गृहस्थ बने रहते हैं, बाल बच्चे घर परिवार, फुर्सत कहाँ है? अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी, तो अपने लिए तो कुछ किए नहीं, तो कैसे हम उम्मीद करेंगे? आज मान लीजिए हमारे पास बहुत विषम परिस्थिति है, हमारा परिवार अनुकूल नहीं है, समाज अनुकूल नहीं है, बाल बच्चे अनुकूल नहीं है, पत्नी अनुकूल नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन संभव सब कुछ है आज, लेकिन इस किसको अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है, कब बनता है, उसकी गरिमा महिमा को आज जानने की आवश्यकता है। इसलिए वार्षिक उत्सव में अवश्य जाना और सेवा करना। इस अवसर पर आज देखिए, दो माह से पहले लोग अपने बिना खाए अपने बिना सोए दूसरे के लिए चिंता, दूसरे के लिए वहां जीता है लोग, इतने दूर से पूरा देश विदेश से लोग आ रहे हैं। अब तो विश्व के जानते हैं आप, 50 देश में इस ज्ञान का प्रचार हो गया। अब तो इतने लोग आ रहे हैं कि सबको रहने की व्यवस्था आज दो तीन कितने व्यवस्था होती है, और सारे लोग टेंट में आके रहते हैं बड़ी खुशी खुशी, तो यह बहुत ही दुर्लभ क्षण है, मैं क्या कहूँ। फिर हम लोग नित्य रमन सिन्हा जी से तो हमारी बड़ी ऐसा प्रेम जुड़ गया है कि, और थोड़ा टावर का यहाँ प्रॉब्लम चल रहता है, अभी गांव में हूँ मैं, नहीं तो मैं तो गुजरात में जब था तो बॉम्बे भी सत्संग किया, वहां पूरे प्रदेश में किया, तो ठीक है हम लोग फिर मिलेंगे। और जरूरत है इस अवसर पर सब लोग सेवा में जुड़े लगे, सेवा से ही कल्याण होगा। ये सेवा कपड़ा बांटने वाला, रोटी बांटने वाला, दवा बांटने वाला नहीं है, ये तो क्षणिक लाभ है सेवा से। मैंने देखा है गुजरात में 1-1 लाख मशीन से रोटी बनती है, 1 लाख लोग डेली खाते हैं, कपड़ा दवा क्या नहीं बट रहा है। मैंने पूछा, वो लोग हमसे पूछते थे कि आपकी संस्था क्या करती है, बोले कि ये तो सेवा साधारण है, एक व्यक्ति को अभी खाना देंगे तुरंत 4 घंटे के बाद भूख लगेगी, आज कोई रोग है दवा दीजिए थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये भव रोग जन्म मरण का चक्कर से ताप दुख की निवृत्ति कैसे होगी, उसकी दवा क्या है? उसी की दवा तो है विहंगम योग है। बार बार जन्मना, जन्मत मरत दुसह दुख होई, गोस्वामी जी ने लिखा, यह जो दुसह दुख है इसकी निवृत्ति का ये उपाय है, ये साधना है, ये दवा है, ये भव रोग को दूर करने वाला है। तो हम सब बड़भागी हैं कि आज विश्व के 7 अरब आबादी है, मनुष्य जीवन तो बहुतों को मिला, लेकिन आज कितने लोग इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं। बहुत लोग को कमाई जिसकी नहीं है वो जुड़ भी नहीं। हम लोग तो प्रचार में पूरे देश विदेश में देखे, आप खूब बहुत अच्छी बात समझा दीजिए, जो चाहते हैं सुना दीजिए, कहते हैं कि सर आप तो बहुत अच्छा बताए, बहुत अच्छा समझाए, लेकिन फुर्सत नहीं, समय नहीं। बताइए, परमात्मा ने 24 घंटे का ही दिन रात बनाया, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या एक सामान्य मजदूर हो, एक व्यक्ति पूरे देश को चला रहा है, विश्व को चला रहा है, आपको अपने कल्याण के लिए 10 मिनट समय नहीं है? यही मन ठगता है, यही माया ठगती है, यही दुख का कारण है, और इस बात को हम लोग समझते हैं, यही तो सत्संग की विशेषता है। हम अपने सत कर्तव्य को समझे, अपने धर्म को समझे, कोई चीज बाकी नहीं रहेगा, संसार में भी कमी बेसी तो नजर ही नहीं आएगा आपको, सबकी पूर्णता होगी, सबकी प्राप्ति होगी, और अंत में कुछ अच्छी कमाई पूंजी साथ जाएगी। जो अंदर में आध्यात्मिक धन संचित हो रहा है ना, एक व्यक्ति अहमदाबाद से प्रश्न किए कि सर आप कहते हैं कि साथ जाएगा, कैसे जाएगा, पंच तत्व भूत में तो शरीर मिल जाता है। हम कहे कि हमारी कमाई शरीर में संचित नहीं होती है, सूक्ष्म शरीर मरने के पहले जो निकल जाता है,
आज लोग कहते हैं कि दफन कर दिए, गाड़ दिए, गाड़ते किसको हो, जीते जी गाड़ के तो देखो। अरे जब चेतना आत्मा निकल गई, 19 तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है, उसको लेके बाहर हो गया, उस मिट्टी को मिट्टी में गाड़ रहे हो आप, तो वो तो साथ रहते हैं, जाता कहाँ, छूटेगा कैसे, उसको छूटने का विज्ञान है, साधना है, युक्ति है, इसीलिए तो हम सदगुरु करते हैं। कान फुकाने के लिए गुरु की महत्ता नहीं है, गुरु की महत्ता क्या है, जीते जी आपको लखा दे, दिखा दे हम क्या हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। तो बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद, और हम सब सदगुरु के ज्ञान सिद्धांत से जुड़े और अपने जीवन के सतपथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ें, सत्य संकल्प के साथ आगे बढ़ें, सत्य काम सत्य संकल्प जो विहंगम जो का आधार है उसको लेकर बढ़ें, निश्चित रूप से हमारा आपका आध्यात्मिक कल्याण होगा और आने वाला जीवन हमारा इससे दिव्य होगा, श्रेष्ठ होगा, महान होगा। इससे हमारी, अगर हमारा गीता में बड़ी उदाहरण है, इस भगवद गीता के अंदर समय नहीं है, तो हमारा आपका जन्म कोई विशिष्ट परिवार में होगा, विशिष्ट समाज में होगा, जहां बना बनाया सारा चीज हमें मिलेगा। आज कहते हैं अरबपति के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो जन्म से अरबपति होता है, जो बच्चा झोपड़ी में पेड़ के नीचे जन्म लेता है, पैर धरती पर रखते कटोरा उठा लेता है भीख मांगने के लिए, सारे इन प्रतिपाद्यों का आधार कर्म है, क्यों जीवन भर भिक्षाटन करके शरीर छोड़ देता है। और जो बच्चा अरबपति खरबपति के घर में जन्म हुआ, कहां से क्यों खरबपति के घर में गया, कमाया है कभी, आज मिला उसको, इसलिए आज की कमाई कल की उपलब्धि है, हम लोग लगे रहें, जगे रहें। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ सदगुरु सत्ता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, आप सबों को प्रणाम करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत आभार सर आपका, माननीय श्री बिंदेश्वरी दुबे जी का अत्यंत ही संदेश मूलक वाणी थी आपकी, संदेश मूलक थी आपकी वाणी, आपने विभिन्न आयामों पे, विहंगम योग के विभिन्न आयामों पर आपने विस्तृत चर्चा की और हम सबों का मार्गदर्शन भी किया, आपकी वाणियां प्रेरक थी और संदेश मूलक भी थी, आपका विशेष आभार। और आप बड़े वरिष्ठ गुरु भाई हैं और हम सब आपकी मंगल कामना हेतु सदगुरु प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना निवेदित करते हैं। आप सेवा, सत्संग, भक्ति, प्रेम से जुड़े रहें, सदगुरु की कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त करें, यही मंगल कामना हम सब आपके लिए निवेदित करते हैं सदगुरु प्रभु के चरणों में। अभी अभी माननीय दुबे जी ने क्या कहा, एक बड़ा ही संदेश मूलक प्रेरक वाणी उन्होंने की, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे समझ में आया वह क्या था कि यह जो अध्यात्म का पथ है, यह जो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का पथ है, उसमें दो चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण है, सदगुरु की दया एवं अपने प्रबल पुरुषार्थ की सहायता से हम अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। दो बातें उन्होंने महत्वपूर्ण की, सदगुरु की दया, वह तो अहर्निश रूप से हमारे आपके ऊपर, प्रत्येक जीवात्मा के ऊपर सदगुरु की दया अहर्निश भाव से बरस ही रही है और आगे भी बरसने वाली है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अपने प्रबल पुरुषार्थ, उन्होंने यूज किया यह वर्ड, अपने प्रबल पुरुषार्थ से। तो क्या आवश्यकता है आज, आज आवश्यकता इसी पुरुषार्थ की है। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि यह जो अवसर है,
यह जो कोरोना काल का जो अवसर है, यह जो आने वाला अवसर है वार्षिकोत्सव का जो अवसर है, वह कई मायने में बड़ा ही अभूतपूर्व है। यह अवसर अभूतपूर्व है। यह अवसर क्यों अभूतपूर्व है? क्योंकि यह जो 97वां वार्षिकोत्सव है वह ऑनलाइन प्रस्तुत होने वाला है, आयोजित होने वाला है। और इस पूरे साल में 97 साल में यह पहला ऐसा अवसर है जब आप सदगुरु की कृपा के पात्र घर बैठे बन पाएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं आने की आवश्यकता नहीं, आप अपने घर बैठे प्रभु की कृपा का अवलोकन, उसका अनुभव और उस कृपा का कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। सदगुरु प्रभु इस बार अपने आध्यात्मिक परमाणु झूसी आश्रम के विमल प्रांगण से पूरे ब्रह्मांड में बिखेरने ही वाले हैं। हम सब को यह वार्षिकोत्सव का फल अपने घर बैठे प्राप्त होने ही वाला है। पुरुषार्थ कहाँ करना है? पुरुषार्थ तो अपने लिए करना है। सदगुरु को हमारे आपके पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? वही तो आधार है, वही तो अधिष्ठाता है ज्ञान का, अध्यात्म का। और वह तो प्रकृति से असंग ही है। तो यह जो पुरुषार्थ करने का अवसर है वह अपने लिए है। गुरु ने कहा है कि हमारी दया आप तक घर बैठे पहुंचने वाली है। तो केवल और 4 दिन शेष रह गए हैं और हमने पिछले कई दिनों पहले भी यह अनुनय विनय सबों से किया था कि आप सब इस वार्षिकोत्सव के निमित्त अपनी धन राशि एकत्रित कर तत्काल स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट में जमा कराएं, क्योंकि हम सबों ने संकल्प लिया है और संकल्प पूर्ण होना है, क्योंकि मानव पुरुषार्थ के आगे कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे बाधित कर पाए। जेते जग में निंदकी उतना गुना संहार, जितना बाधा उपस्थित होता है। मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था कि किसी का भी जीवन बाधा मुक्त जब तक हम संसार में है बाधा मुक्त तो हो ही नहीं सकते। इसी बाधा युक्त संसार में ही पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ की पूरी शक्ति हमारे आपके पास मौजूद है। हम सब मानव हैं और मानव के आगे कुछ है ही नहीं। मानव की शक्ति के आगे सब कुछ संभव है। मानव शक्ति के बाहिर जगत काज कछु नाही। बाहर की शक्ति से भी तो हम जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि हम तो सदगुरु से जुड़े हुए हैं और सदगुरु तो साक्षात परब्रह्म ही होते हैं ना। तो परमात्मा की शक्ति भी हमें प्राप्त है और हम मानव शरीर भी हमें प्राप्त है। फिर हमारा संकल्प तो पूर्ण होकर ही रहेगा। आवश्यकता केवल चेतना को समेट कर पुरुषार्थ करने में अपनी चेतना या अपना परिश्रम प्रदान कर देना है। हमारी चेतना जो ही हमारे संकल्प में प्रतिष्ठित होगी, सदगुरु की कृपा बरसने ही लगेगी और यह संकल्प तो पूरा कर हो ही जाएगा। ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा है ईश्वरी धार, दवे न सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। और प्रचार तो ऐसा हो रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में स्वरवेद की वाणियां विभिन्न सत्संग सत्रों के माध्यम से
हमारे अनुभवी साधकों के माध्यम से, हमारे विज्ञ विद्वान साधकों के पुरुषार्थ से पूरे ब्रह्मांड में आज स्वरवेद की वाणी गूंज रही है। हम सबको कितना कुछ प्राप्त हो रहा है घर बैठे। पहले इसके लिए पुरुषार्थ करना होता था, अब तो सदगुरु ने यह घर बैठे हम सबों को अपनी कृपा से उपलब्ध करा ही दिया है। और केवल सत्संग नहीं, स्वामी जी तो कह रहे हैं सेवा भी घर बैठे हो जाएगी। केवल क्या करना है, चेतना को लगाना है, सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रेरित करना है वाणी के माध्यम से और स्वरवेद के ज्ञान के माध्यम से। और सब को सुख शांति की आवश्यकता तो है ही है, और सुख शांति की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी, वह तो सेवा से ही होगी ना। क्या कहा स्वामी जी ने शब्द प्रकाश में, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे मुक्ति भक्ति गति पाई, गुरु आदेश राख उर अंतर, तर्क वितर्क मिटाई। देखिए कितनी बड़ी बात है, और यह वाणी किसकी है, उस अभ्यास सिद्ध सदगुरु प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी की वाणी है, जिनका ज्ञान आप्त है, जिनका ज्ञान अनुभव परक है, जिनका ज्ञान अनुभूति युक्त है। और उन्होंने कहा कि गुरु की सेवा करने से क्या प्राप्त नहीं होता है, मुक्ति और भक्ति तो ऐसे ही प्राप्त हो जाती है सदगुरु की कृपा से। और सेवा का वह अवसर 4 दिनों तक उपलब्ध है। हम सबको सेवा करना है, क्योंकि हम सब संकल्प ले चुके हैं और ब्रह्म के सामने हमने वह सब संकल्प किया है, तो अधिक ना हो तो उससे कम भी नहीं होना चाहिए। और हमारी जब चेतना लग जाएगी तो किसी विपरीत शक्ति की इतनी शक्ति नहीं है कि वह हमारे सत्य संकल्प को पूर्ण होने में बाधक हो जाए, क्योंकि विहंगम योग का तो एम्ब्लेम ही है सत्य काम और सत्य संकल्प। और सत्य संकल्प हो गया तो सत्य कार्य तो होने ही लगेंगे, और सत्य कार्य में जब हम प्रयुक्त होंगे तो सदगुरु और प्रभु की शक्ति हम सबको प्राप्त होनी ही है। और इसी लिए तो महर्षि प्रणेता ने कहा है, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे भक्ति मुक्ति गति पाई। और गुरु के आदेश में जब हम काम करेंगे तर्क वितर्क मिटा के, तो वह पूर्ण शक्ति हमारा मार्गदर्शन करेगी, हमारी सहायता करेगी। और जब गुरु की शक्ति हमारी सहायता में प्रयुक्त होगी तो किसमें इतना सामर्थ्य है, किस शक्ति में इतनी ताकत है कि वह हमारे सत्य संकल्प से हमें विमुख कर दे। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे मुक्ति भक्ति गति काई, गुरु आदेश राख उर अंतर, तर्क वितर्क मिटाई, सारे धर्म कर्म का जो फल सो गुरु सेवा पाई। सारे धर्म कर्म का जो फल सो सेवा गुरु पाई, गुरु दयाल निज स्वाति देवै, काक से हंस बनाई, बहुत जन्म का भूलल हंसा, बूढ़त था न पाई, गुरु कृपाल पल नयन उठावे, पल में पार लगाई। देखिए कितनी बड़ी घोषणा स्वामी जी ने कही है कि बहुत जन्म का भूलल हंसा, बूढ़त था न पाई, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है और गुरु केवल अपनी कृपा दृष्टि से ही पल में पार लगा देते हैं, लगाते रहे हैं, लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे। बहुत जन्म का भूलल हंसा, बूढ़त था न पाई, गुरु कृपाल पल नयन उठावे। गुरु की कृपा में केवल पलकों के अवलोकन से ही गुरु ने पाल पल भर में पार लगा देते हैं, लगाते रहे हैं और लगाते रहेंगे, यही संदेश दे रही है। और यह वाणी आप्त है,
यह वाणी निर्भ्रांत है, यह वाणी किसकी चिंतामणि का चेतन प्रकाश है, यह वाणी उस अभ्यास सिद्ध सदगुरु के वाणी है जो प्रमाणित है, जो अनुभव से युक्त है, जो आप्त है, जो निर्भ्रांत है, उसी की वाणी कह रही है। बहुत जन्म का भूलल हंसा बूढ़त था न पाई, गुरु कृपाल पल नयन उठावे पल में पार लगाई। और एक संदेश जो हम सबों को हृदय से आत्मसात करना चाहिए वह क्या है, स्वामी जी कह रहे हैं, महर्षि प्रणेता कह रहे हैं, जीवन डोरी दो सदगुरु को, जीवन डोरी दो सदगुरु को, सकल आस विसराई, कहें सदा फल धन्य गुरु महिमा, अमीय नद्य अनुवाई। यह जो संदेश महर्षि प्रणेता हमारे सदगुरु दे रहे हैं, जिनकी वाणी उनके हृदय के अनुभव की चिंतामणि का चेतन प्रकाश है, वह कहते हैं और कोई आधार नहीं है, एक ही आधार है, और वह है अध्यात्म का एक ही आधार है, और वह आधार क्या है, वह तो सदगुरु ही है ना। इसीलिए तो कह रहे हैं महर्षि कि जीवन डोरी दो सदगुरु को, सकल आस बिसराई, कहें सदाफल धन्य गुरु महिमा, अमीय नद्य अनवाई। और गुरु की महिमा तो ऐसी है कि वह तो आपको अमृत में सरोबार कर देगा, ओत प्रोत कर देगा, अमृत से अमीय से सींच देगा। और यही तो संत वाणी भी कहती है ना, एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार, जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहां मिल सकती मन में, खोज फिरा संसार, सदगुरु एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार। कितनी स्पष्ट है यह संतवाणी, जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहां मिल सकती मन में, खोज फिरा संसार, सदगुरु एक तुम ही आधार। कैसा भी हो तैरन हारा, मिले न जब तक शरण तुम्हारा, कितने भी आप महान ज्ञानी हो, कितने भी आप महान पुरुषार्थी हो, जब तक सदगुरु नहीं मिलता, निगुरा तो कुछ करता ही नहीं है। कैसे भी हो तैरन हारा, मिले न जब तक शरण तुम्हारा, हो न सका उस पार, सदगुरु एक तुम ही आधार। आज तक इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी बिना सदगुरु के इस भंवर भवनिधि से पार नहीं हो पाया है, और यही संदेश दे रही है यह संतवाणी। कैसा भी हो तैरन हारा, मिले न जब तक शरण तुम्हारा, हो न सका उस पार, सदगुरु एक तुम ही आधार। हे प्रभु तुम्ही विविध रूपों में हमें बचाते हो भवकूपों से, कितनी स्पष्ट है। हे प्रभु तुम्हें विविध रूपों में हमें बचाते हो भवकूपों से, ऐसे परम उद्धार सदगुरु एक तुम्ही आधार, सदगुरु एक तुम्ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम सब तो संकल्प ले चुके हैं, हम तो तुम्हारी शरणागति में ही हैं। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे, सुन लो दास पुकार। हम सब तो दास ही है ना सदगुरु के। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे, सुन लो दास पुकार, सदगुरु एक तुम ही आधार, सदगुरु एक तुम ही आधार। छा जाता जग में अंधियारा, तब प्रकाश पाने, तब पाने प्रकाश की धारा। छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा, आते तेरे द्वार सदगुरु एक तुम ही आधार, सदगुरु एक तुम ही आधार। गुरुदेव हमें तो अब एक तेरा सहारा है, डूब रही जीवन की नैया, दिखता नहीं किनारा है, भटक रहा जन्मों से यह जीवात्मा बेचारा है, फंसकर मन के चंगुल में फिरता मारा मारा है, ठोकर लग रही अंधेरे में, नहीं यहाँ उजियारा है, सुख मिले यहाँ कैसे, जग तो दुखियारा है। गुरुदेव अब तो तेरा ही एक सहारा है,
रिश्ते नाते सब स्वार्थ के नहीं कोई हमारा है, घट घट का पिया पानी लगा सबका सब खारा है। मुर्दों की बस्ती है यहाँ, मुर्दों की बस्ती है यहाँ, मरघट यहाँ किनारा है, मरघट का नजारा है, मरघट का ही तो यहाँ दृश्य सारा है। उठ रही दुख की लपटे, जल रहा जग सारा है। गुरुदेव हमें तो अब एक तेरा सहारा है। जाए तो जाए कहां से, जाए तो जाए कहां, नहीं कोई चारा है, दुखड़ा कोई नहीं सुनता, आखिर तुम्हें पुकारा है। सुना है दीन अधीन जन, लगता आपको प्यारा है। रख ले लाज इस जन की, दास यह तुम्हारा है। गुरुदेव हमें अब तो एक तेरा ही सहारा है। काम क्रोध लोभ मोह से बुरी तरह यह जीवात्मा हारा है। लड़खड़ा रही वाणी अखियन में अश्वन की धारा है। भीख दया की दे दे गुरुवर, भीख दया की दे दे गुरुवर, खाली हाथ पसारा है। सिखा दे ज्ञान योग विहंगम जो सबसे न्यारा है। गुरुदेव हमें अब तो एक तेरा सहारा है। डूब रही जीवन की नैया, दिखता नहीं किनारा है। सिखा दे ज्ञान योग विहंगम जो सबसे न्यारा है। और गुरु तो हमने, गुरु ने तो हमें सिखा ही दिया है। सेवा साधना और सत्संग की कला तो हम सीख ही गए हैं। करना क्या है, प्रबल पुरुषार्थ का अवसर आ चुका है। चूकना नहीं है, आध्यात्मिक परमाणु सदगुरु के घर बैठे प्राप्त होने वाले हैं। केवल और केवल कुछ पुरुषार्थ की आवश्यकता है। चार दिन में ही बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ हमें करना है। चूकना नहीं है यह अवसर, पीछे नहीं हटना है। हमने तो अंगद की तरह पैर को रोप दिया है और सदगुरु की कृपा दृढ़ता से हमारे पैर का ध्यान रख ही रही है। हम तो चूक नहीं सकते क्योंकि हम तो प्रकाश के पथिक हैं, कैसे चूक सकते हैं। हमें तो चलना है, हमें तो बढ़ना है और यह अवसर तो चूकना ही रही है। मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विनय करता हूं, मैं भीख भी मांगता हूं सबों से जो इस गुरु भाई गुरु बहन इस धारा से जुड़े हुए हैं। वह जो है उन सबों से मैं सभी ने निवेदन करता हूं कि वे चार दिन व्यर्थ न जाने दें, अपनी सेवा समाहित करें और दूसरे को भी प्रेरित करें, क्योंकि गुरु सेवा का यह अवसर पुनः पुनः नहीं प्राप्त होने वाला है। और करना क्या है, आप तो सब कुछ तो ऑनलाइन ही हो रहा है, तो सेवा भी तो ऑनलाइन प्राप्त हो ही जाएगी, थोड़ी तो हो ही जाएगी, बहुत नहीं तो थोड़ी तो हो ही सकती है, और थोड़ी थोड़ी करके ही तो बड़ी हो जाती है वह वस्तु। बूंद बूंद से ही तो सागर भर जाता है, थोड़े थोड़े से ही तो बहुत हो जाता है। तो हम सब थोड़ा थोड़ा करने के लिए संकल्प ले लें और यह अवसर जाने ना दें, क्योंकि इसके बड़े प्रभावकारी, बड़े कल्याणकारी फल प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि हमारे महर्षि प्रणेता तो सदा फल है, सदा फल हैं, और फल तो वो प्राप्त कराने ही वाले हैं। तो आध्यात्मिक परमाणु कैसे हमारे पास पहुंचेंगे, सेवा जब प्रयुक्त होंगे सेवा में तो ये परमाणु हमें प्रेरित करेंगे, ये परमाणु हमारे कल्याण के लिए प्रेषित किए जाएंगे, और सेवा से जब धुल जाएंगे तो यह परमाणु हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे और हमारा आध्यात्मिक पथ ब्रह्म विद्या विहंगम योग का यह पथ सुलभ हो ही जाएगा, होने ही वाला है, हो ही रहा है और आगे भी होने ही वाला है। तो हम सब इस सेवा के अवसर में प्रयुक्त हों। देखिए, सेवा वह वस्तु है जो व्यर्थ जाती ही नहीं,
तुलसी जी ने भी यही कहा है, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि दी जई ज्ञान करई दान करई कल्याण, दान कभी व्यर्थ होता ही नहीं है। ऐसी तो आर्षवानियां भी कहती है, ऐसी तो सदग्रंथ की वाणियां भी कहती है, और अभी अभी यही तो मानस में भी उद्गृत किया है गोस्वामी जी ने, जो मैंने आपको बताया। और गुरु ने तो और भी सुलभ कर दिया है, महर्षि पणिनिताना कहा ज्ञान से दाता दान दे, दान प्रतिग्रह ले, दान नीति है राष्ट्र की, दान सकल सुख दे। तो दान तो कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं, दान ज्ञान और सेवा यह कभी व्यर्थ जाती नहीं, यह ऐसी वस्तु है जो जितना प्रयोग इसका किया जाए उतना बढ़ता है, उतना अनंत से मल्टीप्लाई होता है यह। तो हम सबको करना है, हम सब संकल्पित हैं, हम सब ब्रह्म विद्या प्रकाश के प्रधानुवाई हैं, हमें तो करना ही है, हमें तो सेवा में प्रयुक्त तो होना ही है, और हम हो ही रहे हैं। हमारा संस्थान ऐसे महान सेवकों की सेवा जन्य कृत्यों से भरा पड़ा है, उसमें अपना भी नाम लिखा लेना है। मैं ऐसा उत्तम बनूं जैसा होए न कोई, नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य के होए, मुझे टॉप करना है, मुझे तो ऑल इंडिया में ऑल ब्रह्मांड में टॉप करना है। किसमें? सेवा में। यहां तो प्रतिस्पर्धा करे ही लेनी है, यह प्रतिस्पर्धा तो सार्थक है। मैं सबसे ज्यादा सेवा करने वाला जीवात्मा होऊंगा, यह संकल्प ले ही ले। प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर अनुकूल, ध्येय धैर्य से मिलत है साधन सब सुख मूल, प्राण भले चल जाएंगे धीर लक्ष्य नहीं भाग, अपने सत्य संकल्प को दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं त्याग, अपने सत्य संकल्प को दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं त्याग। और हम सब तो संकल्पित है ही है, हमारा संकल्प तो कमजोर नहीं है, हमारा संकल्प तो दृढ़ ही है ना, और वह देने के लिए तो है ही है। बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होए, प्रारंभ प्रभु से करें गति आध्यात्मिक होए। और प्रभु तो साक्षात खड़े हैं झूसी के आश्रम में, प्रभु तो खड़े हैं, प्रभु तो हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रभु ने ही तो यह सेवा का अवसर हमको आपको दिया है ना, तो कमी किसकी है? संकल्प लेने की है। अर्थ धर्म वह देत है और मोक्ष दे काम, सदगुरु कृपा से पाइए अंतर अविचल नाम। अर्थ का तो जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थ तो व्यर्थ है, और वही व्यर्थ थोड़े परिमाण में हमें आपको देना है। दान में, किसके दान में? अपने कल्याण हेतु यह दान देना है, किसी और का इस दान से कोई कल्याण नहीं होने वाला है, यह तो अपने कल्याण के निमित्त ही प्रदान करने वाले हैं हम सब। पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पाशीष, पीछे दाता गुरु भया, नाम दिया बकशीश। तो हम तो करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है, और हम करेंगे। अनेकों ने किया है, मैं नाम लेने लगूं तो लंबी सूची है, सबको नमन है मेरा, प्रत्येक गुरु भाई गुरु बहन धन्य है, यह संस्थान भी तो धन्य है ना। स्वामी जी ने इसीलिए तो लिखा है, शिष्य हमारे सभी बड़े, कर्म गुणन कर भेद,
सभी शिष्य बड़े हैं, मैं सभी गुरु भाइयों को नमन करता हूँ, सभी गुरु बहनों को मेरा सादर नमन है, हृदय की अंतस्तलियों से नमन है मेरा। यह शब्द नहीं है, यह मेरे भावोद्गार हैं और हम सब इसके प्रति कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं और हमें यह करना है। तो इसी आग्रह के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी अभ्यर्थना के साथ, इसी भिक्षा की अभिलाषा के साथ कि हम सब चार दिन का सदुपयोग करेंगे और वार्षिकोत्सव में अपनी सेवा को सुनिश्चित करेंगे। क्यों? क्योंकि यह वार्षिकोत्सव अद्भुत है, सदगुरु के आध्यात्मिक परमाणु, सदगुरु के आध्यात्मिक आशीर्वाद हमको इस बार तो घर बैठे प्रयुक्त होने वाले हैं। थोड़ी चेतना की आवश्यकता है, थोड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है, थोड़े वैराग्य की आवश्यकता है और वैराग्य ही तो आधार है ना। जग में सोई वैराग कहावे, आसन मारी गगन में बैठे दुर्मति दूर बहावे, भूख प्यास और निद्रा साधे, जियते तन ही जरावे, भव सागर के भरम मिटावे, चौरासी जितियावे, जितियावे। जो वैराग्य से युक्त है, जो सेवा से युक्त है, वह तो 84 को जीत ही लेता है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, भाव भक्ति मन लावे। तो भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर हम सबों को सेवा में प्रयुक्त होना है। अब विशेष हो चुका है समय, इसलिए अब मैं और न कुछ कहते हुए कुछ किसी गुरु भाई गुरु बहन को मेरी वाणियां आहत कर गई हो, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देंगे। मैं अल्प ज्ञानी हूं, मैं सामान्य हूं, मैं निकृष्ट हूं, मैं पतित हूं, मैं अधम हूं, आप ऐसा समझकर हमें माफ कर देंगे। मैंने यह प्रार्थना आप सबों से की है क्योंकि मैं अपने को इस योग्य नहीं समझता, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मैंने कुछ किया नहीं है। यह एक ऐसे निकृष्ट साधक की पुकार है, करनी हमारी यदि विचारो तब न मैं तुम योग्य हूं, जन सदा फल आस प्रभु की, क्या कहूं मन भोग्य हूं। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूं, भक्ति दया करुणान। तो किसी को हमारी वाणी आहत कर गई हो, किसी को हमारी बात सदगुरु सिद्धांत के विरुद्ध लगी हो तो मुझे अल्पज्ञानी समझकर मुझे माफ कर दे। परंतु यदि मेरी वाणी अच्छी लगी हो, कुछ भी सार इसमें लगा हो, तो हम सब यह संकल्प ले ही ले कि हम सब सेवा में प्रयुक्त होंगे, चार दिन में प्रबल पुरुषार्थ करेंगे और जो कुछ भी होगा यह तो सदगुरु पे छोड़ दे। फल प्रदाता तो सदगुरु हैं, उन पे छोड़ देंगे, जो कुछ भी थोड़ा अल्प अधिक अत्यधिक जो भी होगा हम उसे संग्रह कर सदगुरु के चरणों में निवेदित समर्पित कर ही देंगे। तो इसी भावना के साथ कि हम सब सेवा साधना सत्संग में लगे रहें और सब मैं सभी गुरु भाई गुरु बहनों की मंगल कामना हेतु अपनी प्रार्थना सदगुरु प्रभु के चरणों में निवेदित करता हूँ। सभी का कल्याण हो, सब भौतिक उत्कर्ष को प्राप्त हो और सब भौतिक उत्कर्ष के साथ साथ उपवर्ग अपवर्ग और आध्यात्मिक उत्कर्ष को भी प्राप्त करे, ऐसी ही कामना मैं सबके लिए सबकी ओर से प्रभु सदगुरु के चरणों में निवेदित करता हूँ और चल पड़ता हूँ अंतिम चरण की ओर, जहां मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी माननीय गुरु बहना रोहिणी कंगरे जी से, जिनका पूरा परिवार भी संतोष कंगरे जी भी सेवा और समर्पण के उदाहरण है। हर वो सेवा संतोष जी और रोहिणी जी चाहती हैं जो सदगुरु को समर्पित है। तो अब विशेष न कहते हुए इसी अभ्यर्थना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि हम लोग यह सप्ताह, मैंने कहा था कि सेवा सप्ताह हम मनाएंगे, सेवा में प्रयुक्त होंगे और मैं क्षमा याचना करते हुए
आमंत्रित कर रहा हूँ रोहिणी कंगरे जी को जो नासिक से जुड़ी हैं कि वे आए और शांति पाठ और जय घोष का संपादन करें। श्रीमती रोहिणी कंगरे जी, बोलिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देव शांति महि शांति हो, आप शांति शशि शांति, औषधियों की शांति हो और वनस्पति शांति, विश्व देव की शांति हो, अक्षर अंतर शांति, पंच शब्द की शांति हो, अंतरिक्ष की शांति, शांति समुद्र अपार है, अमित अनंत है शांति, सो स्वरूप पर शांति हो, सर्व शांति हो शांति, नियक्षर की शांति हो, नित्य सीम है शांति, आप शांति सब शांति है, सर्व शांति मय शांति, अज सुकृत गुरु शांति हो, स्वयं सिद्ध गुरु शांति, अभ्यास सिद्ध गुरु शांति हो, परंपरा गुरु शांति, संत अंतरी शांति हो, मुक्त हंस की शांति, पूर्ण ज्ञान की शांति हो, भक्ति महासुख शांति, सहज समाधि शांति हो, जीवन मुक्त की शांति, दया धर्म की शांति हो, निज स्वरूप की शांति, विराग त्याग की शांति हो, उदासीनता शांति, सेवाजित शिष्य शांति हो, सत्य शांति हो शांति, हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति, हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांति मय, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए बोलिए नित्यानादि सद्गुरुदेव की जय। स्वयं सिद्ध सद्गुरुदेव की जय। अभ्यास सिद्ध सद्गुरुदेव की जय। परंपरा सद्गुरुदेव की जय। ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जय। अंकित श्वेत ध्वजा की जय। परम तीर्थ रुतिकूट धाम की जय। महर्षि सदाफल देव आश्रम जोशी समाधि धाम की जय। हिमालय शून्य शिखर आश्रम की जय। मधुमति आश्रम की जय। दंडोकन आश्रम की जय। सर्वेद महामंदिर धाम की जय। बोलिए बंदी छोर सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत आभार माननीय रोहिणी जी का, बड़े ही
भावपूर्ण शब्दों से आपने